मैं जसविंदर पाल, ब्लॉक मेंटर मैथ, ब्लॉक ग्राया 1। प्यारे विद्यार्थियों, अज आप जमात 8वीं विशा गणित दे अध्याय घात अंक ते घात संबंधी सवालों नूं हल करन दी कोशिश करांगे। प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह आप इत्थे लिखते हाँ एक्स दी घात एम, इत्थे साडा आधार हो गया एक्स, आधार बराबर एक्स, ते साडी घात बराबर हो गई एम। हुण असी इसे तरह की एक होर उदाहरण लैंदे हाँ। जेकर आपां लिख दईए 10 दी घात 24, इत्थे साडा आधार बराबर आ गया 10, ते साडी घात बराबर आ गई 24। हुण इत्थे ये गल साडे सामने आई है कि जो संख्या ब्रैकट दे अंदर हुंदी है उहनूं असी आधार कहिंदे हाँ, अते जो संख्या ब्रैकट दे बाहर उपर सिरे ते हुंदी है उहनूं असी कहिंदे हाँ घात। प्यारे विद्यार्थियों, ये अभ्यास हल करन तों पहलां असी घात अंक संबंधी निजमां बारे जरूर गल करांगे। साडा पहला निजम है एक्स दी घात एम गुणा एक्स दी घात एन, ये बराबर हुंदा है एक्स दी घात एम प्लस एन। इस तों यह पता लगता है कि जेकर आधार साडे बराबर होण तां गुणा करन वेले असी घातां नूं जोड़ना है। इसे तरह दूसरा निजम है एक्स दी घात एम तकसीम एक्स दी घात एन, तां ये आएगा एक्स दी घात एम माइनस एन। इस तों ये पता लगता है कि जदों असी तकसीम करना है तां असी घातां नूं माइनस करना है। तीसरा निजम है एक्स दी घात एम सारे दी घात एन, तां ए आएगा एक्स दी घात एम माइनस एम एन। कहण दा भाव घातां नूं घातां दे नाल असी मल्टीप्लाई कर सकते हाँ, गुणा कर सकते हाँ। साडा चौथा निजम है एक्स दी घात एम गुणा वाई दी घात एम, तां असी इस नूं लिख सकते हाँ एक्स वाई दी घात एम। साडा पंजवां निजम है एक्स दी घात एम वटा वाई दी घात एम, तां इहनूं इस तरह भी लिख सकते हाँ एक्स वटा वाई दी घात एम। छेवां निजम है घात अंक ते घात संबंधी निजम छेवां है एक्स दी घात 0, ये बराबर हुंदा है 1। इस तों इह पता लगदा है कि जेकर किसी भी संख्या का घात 0 होवे तां उहदा आंसर 1 ही आउंदा है। ते इसे संबंधी सत्तवां निजम है एक्स दी घात माइनस एक, ए एक वटा एक्स दी घात एम ऋणात्मक घात नूं धनात्मक घात विच तब्दील करन वास्ते असी एक्स दा उल्ट कर्म लिखांगे। एक्स दा उल्ट कर्म हुंदा है 1 वटा एक्स, ते किसे भी घात 1 होवे तां उह संख्या ओनी ही हुंदी है, ए 1 वटा एक्स होएगी। प्यारे विद्यार्थियों, हुण आपां 12.1 संबंधी सवालां नूं हल करन दी कोशिश करांगे। प्यारे विद्यार्थियों, हुण असी अभ्यास 12.1 दा पहला सवाल मुल पता करो। असी पहले दा पहला भाग हल करांगे। पहला भाग है 3 दी घात -2। प्यारे विद्यार्थियों, सब तों पहला आपां ऋणात्मक घात नूं धनात्मक घात विच तब्दील करन दी कोशिश करदे हां। इत्थे असी फार्मूला लाया एक्स दी घात माइनस एक वाला, तां ये होएगा 1 वटा एक्स दी घात 1। असी इस निजम की वरतों करांगे, तां इस नूं लिख सकते हाँ 1 वटा 3 दी घात 2। ये जिहड़ी ऋणात्मक घात है ये थल्ले आके जमा वाली बन गई, धनात्मक बन गई। तो हुण असी 3 दी घात 2 इहनूं हल करांगे। 1 वटा 3 दी घात 2 है
तीन गुणा तीन ते एक बटा तीन तीए नौ, ये साडा आंसर आ गया। सो पहले दा पहला भाग सही आंसर आया एक बटा नौ। तो हुण असी पहले भाग का दूजा सवाल हल करने की कोशिश करांगे। साडा दूजा भाग है माइनस चार की घात माइनस दो। इत्थे भी असी इसे नजम की वरतों करते हैं, असी इहनू लिख सकते हाँ एक बटा माइनस चार की घात दो। हुण असी माइनस चार की घात दो है इहनू हल करने की कोशिश करते हैं। एक बटा माइनस चार गुणा माइनस चार, एक बटा माइनस माइनस प्लस, चार चौके सोलह। सो एक बटा सोलह साडा सही आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों हुण असी पहले का तीजा भाग हल करने की कोशिश करते हैं। तीसरा पार्ट है एक बटा दो की घात माइनस पांच। इस सवाल को भी असी पहले सवाल की तरह हल करने की कोशिश करते हैं। इत्थे साडा निजम लगा एक बटा एक्स की घात माइनस एक, इन्हू लिख सकते हैं एक बटा एक्स की घात एक। असी ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में तब्दील करने की कोशिश करांगे। इन्हू लिख सकते हैं एक बटा दो, इहदा असी उल्ट क्रम लिखांगे दो बटा एक की घात पांच। हुण असी दो बटा एक की घात पांच है इहनू हल करने की कोशिश करते हैं। पांच बार मल्टीप्लाई करांगे दो बटा एक गुणा दो बटा एक गुणा दो बटा एक गुणा दो बटा एक गुणा दो बटा एक। हुण असी इहनू गुणा करांगे दो दूनी चार, चार दूनी अठ, अठ दूनी सोलह, सोलह गुणा बत्ती, बत्ती बटा एक। जिनी बारी मर्जी आप गुणा करिए साडा आंसर एक ही आएगा। सो बत्ती नूं एक नाल भाग किया साडा आंसर आया बत्ती। प्यारे विद्यार्थियों हुण असी अभ्यास 12.1 का दूजा सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। दूजा सवाल है सरल करो अते उत्तर नूं धनात्मक घात अंकां दे रूप में दर्शाओ। दूसरे का पहला भाग है माइनस चार की घात पांच तकसीम माइनस चार की घात अठ। इसनूं असीं इस तरह भी लिख सकते हाँ माइनस चार की घात पांच तकसीम माइनस चार की घात अठ। इत्थे असीं एक्स की घात एम तकसीम एक्स की घात एन, एक्स की घात एम माइनस एन, ए वाला निजम की वरतों करांगे। इत्थे आएगा एक्स की घात एम माइनस एन, तकसीम करने वेले असी घातों नूं माइनस करना है। हुण असी इहनूं हल करदे हां माइनस चार की घात पांच माइनस अठ। हुण साडे प्लस दे पांच माइनस दा अठ, इहनूं जोड़ घटाओ करन ते माइनस चार की घात माइनस दा तीन आ गया। माइनस दे अठ प्लस दे पांच, माइनस अठ विचों पांच माइनस कीते साडा माइनस तीन आ गया। हुण असी जिहड़ी ऋणात्मक घात है इहनूं धनात्मक दे विच तब्दील करन की कोशिश करांगे। इत्थे इहनूं लिख सकते हैं एक बटा माइनस चार की घात तीन, ये साडा सही आंसर है। तो दूसरा सवाल एक बटा दो की घात तीन सारे की घात दो, इहनूं असीं हल करन की कोशिश करांगे। एक बटा दो की घात तीन गुणा दो, असी घात नूं घात दे नाल गुणा भी कर सकते हैं। इहनूं लिख सकते हैं एक बटा दो की घात तीन दूनी छे। हुण असी इहनूं इस तरह भी लिख सकते हैं एक की घात छे
बटा दो दी घात छे इनू लिख सकते हाँ एक बटा दो दी घात सारे दी घात छे ते एक दी घात छे साडा एक ही हुंदा है इनू लिख सकते हैं एक बटा दो दी घात छे ये साडा आंसर आ गया। प्यारे विद्यार्थियों आपां हुण इस तरह के कुछ होर सवाल हल करने की कोशिश करांगे। सवाल है सरल करो अते उत्तर नूं धनात्मक घात अंक के रूप में दर्शाओ। साडा पहला सवाल है दो दी घात पांच तकसीम दो दी घात अठ सारे दी घात पांच गुणा दो दी घात माइनस पांच। आपां इहनूं इस तरह हल करांगे दो दी घात पांच माइनस अठ सारे दी घात पांच गुणा दो दी घात माइनस पांच। इत्थे आपां एक्स दी घात एम तकसीम एक्स दी घात एन इहनूं एक्स दी घात एम माइनस एन लिख सकते हैं क्योंकि तकसीम करन वेले असी घातां नूं माइनस करना। हुण असी इहनूं हल करन दी कोशिश करांगे दो दी घात प्लस दे पांच माइनस दा अठ ये साडा अठ विचों पांच माइनस करांगे माइनस दा तीन सारे दी घात पांच गुणा दो दी घात माइनस पांच। हुण असी घातां नूं घातां दे नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो दी घात प्लस माइनस माइनस पंजू तीआ पंद्रह गुणा दो दी घात माइनस पांच। हुण इत्थे आधार दो है दो दी घात माइनस पंद्रह दो दी घात माइनस पांच गुणा करन वेले असी घातां नूं जोड़ना है दो दी घात माइनस पंद्रह माइनस पांच इहनूं असी होर अगे हल करांगे दो दी घात माइनस पंद्रह ते माइनस पांच ये साडा आ गया माइनस दे बी। ते हुण असी जिहड़ी ऋणात्मक घात है उहनूं धनात्मक विच तब्दील करन दी कोशिश करांगे। आपां इहनूं लिख सकदे हां एक बटा दो दी घात बी ये साडा आंसर आ गया। ते हुण आपां इसे तरह दूजा सवाल हल करन दी कोशिश करांगे। दूजा सवाल है माइनस चार दी घात माइनस तीन पांच दी घात माइनस तीन गुणा माइनस पांच दी घात माइनस तीन। इत्थे आपां इस नियम की वरतों करांगे एक्स दी घात एम गुणा वाई दी घात एम गुणा जेड दी घात एम इहनूं आपां लिख सकदे हां एक्स वाई जेड सारे दी घात एम असी इस नियम की वरतों करांगे। सो इस नियम की वरतों करते हुए असी इहनूं लिख सकते हाँ माइनस चार गुणा पांच गुणा माइनस पांच सारे की घात माइनस तीन। हुण आपां इहनूं हल करते हाँ माइनस माइनस प्लस चार पंजा भी भी पंजा सौ सौ की घात माइनस तीन। हुण असी जिहड़ी माइनस वाली घात है उहनूं प्लस विच तब्दील करांगे। इहदे विच प्लस विच तब्दील करन वास्ते आपां लिखांगे एक बटा सौ की घात तीन साडा ए की आ गया आंसर। हाँ जी हुण असी अभ्यास 12.1 दूजे का तीजा सवाल हल करांगे। तीसरा भाग है माइनस तीन की घात चार गुणा पांच बटा तीन की घात चार। सब तो पहला असी इस ब्रैकेट नूं हल करांगे क्योंकि साडा माइनस तीन की घात चार है असी माइनस नूं चार बार गुणा करांगे माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस माइनस नूं माइनस नाल गुणा कीती प्लस माइनस नूं माइनस नाल गुणा कीती प्लस ते साडा ए आ गया प्लस।
इसलिए असं इनू लिख सकते हैं तीन की घात चार गुणा पांच बटा तीन की घात चार। इस स्टेप नूं असी अगे हल करते हैं तीन की घात चार गुणा पांच की घात चार बटा तीन की घात चार, तो साडा तीन की घात चार नाल तीन की घात चार कटिया गया, साडे कोल आ गया पांच की घात चार, ये साडा आंसर आ गया। हुण असी दूजे का चौथा सवाल हल करांगे। चौथा भाग है तीन की घात माइनस सत तकसीम तीन की घात माइनस दस गुणा तीन की घात माइनस पांच। प्यारे विद्यार्थियों इत्थे असी एक्स की घात एम तकसीम एक्स की घात एन एक्स की घात एम माइनस एन ए लजम की वरतों करांगे। तीन की घात माइनस सत ओवर तीन की घात माइनस दस तीन की घात माइनस पांच। हुण तकसीम करन वेले असी शक्तियां नूं माइनस करना, तीन की घात माइनस सत माइनस माइनस दस असी हेठां वाली घात जिहड़ी आ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਣਾ ਤਿੰਨ ਦੀ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਪੰਜ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸੱਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤਿੰਨ ਦੀ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਪੰਜ। ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਦੀ ਘਾਤ ਤਿੰਨ गुणा तीन की घात माइनस पांच। हुण इत्थे आधार साडा सेम आ, तीन आधार है, गुणा करन वेले शक्तियां नूं असीं जोड़ना है, तो असीं इहनूं लिख सकदे हां तीन की घात तीन माइनस पांच। इहनूं हल करदे हां माइनस दे पांच जमा दे तीन इह साडा आ गया माइनस दे दो, तीन की घात माइनस दो, तो माइनस नूं असीं प्लस विच तब्दील करन दी कोशिश करदे हां, इहनूं लिख सकदे हां एक वटा तीन की घात दो, इह साडा की आ गया आंसर। हुण असीं दूजे सवाल का पंजवां भाग हल करांगे। पंजवां भाग है दो की घात माइनस तीन गुणा माइनस सत की घात माइनस तीन। इत्थे असी एक बटा एक्स की घात माइनस एक इहनूं लिख सकते हैं एक बटा एक्स की घात एक बराबर एक बटा एक्स, इस लजम की आपां वरतों करांगे। हुण असी इहनूं हल करांगे दो की घात माइनस तीन इहनूं लिख सकते हैं एक बटा दो की घात तीन गुणा एक बटा माइनस सत की घात तीन। हुण आपां इस तों अगे स्टैप हल करांगे एक बटा दो गुणा माइनस सत सारे की घात तीन, एक बटा प्लस माइनस माइनस सत दूनी चौदह, एक बटा माइनस चौदह की घात तीन साडा आंसर आ गया। प्यारे विद्यार्थियों हुण असी अभ्यास 12.1 का तीजा सवाल हल करांगे। तीजा सवाल है मुल पता करो। तीजे का पहला भाग तीन की घात जीरो प्लस चार की घात माइनस एक गुणा दो की घात दो। तीन की घात जीरो इत्थे असी एक्स की घात जीरो बराबर एक, किसी की घात जीरो होवे उहदा मुल हमेशा ही एक आउंदा है। असी इस नजम की वरतों करांगे तीन की घात जीरो ये बराबर आ गया एक, माइनस घात को प्लस में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, इसे लिख सकते हैं एक बटा चार की घात एक गुणा दो की घात दो।
इथे असी एक भी लिख सकते हैं, चार की घात एक चार ही होंगा। असी इनू इन्हां दोहां संख्यावां दा एलसीएम लैके हल करन दी कोशिश करते हैं। इन्हां दोहां दा एलसीएम आ गया चार। बटरफ्लाई मैथड दे नाल आपां इनू हल करांगे। चार एकम चार जमा एक एकम एक गुणा दो की घात दो। चार ते एक पांच, पांच बटा चार गुणा दो की घात दो, दो गुणा दो, पांच बटा चार गुणा दो दूनी चार। इत्थे चार नाल चार कैंसल हो गए, बराबर की आ गया पांच। साडा उत्तर आ गया पांच। हुण असीं तीसरे का दूजा भाग हल करन की कोशिश करांगे। दूजा भाग है दो की घात माइनस एक गुणा चार की घात माइनस एक तकसीम दो की घात माइनस दो। असी माइनस जिहड़ी वाली घात है इहनू प्लस में तब्दील करांगे। इहनू लिख सकते हैं एक बटा दो गुणा एक बटा चार, चार की घात एक तकसीम दो की घात माइनस दो। किसी की घात एक होवे वो साड़ी उन्नी ही संख्या होंदी है, एक बटा दो गुणा एक बटा चार तकसीम। इनू भी असी प्लस में तब्दील करांगे, एक बटा दो की घात दो, ये साड़ा आ गया एक बटा चार दूनी अठ तकसीम एक बटा दो दूनी चार, एक बटा अठ। असी तकसीम करन वेले जदों अगे बटिया वाली संख्या होवे तां गुणा दा निशान पावांगे तां अगली संख्या जिहड़ी साडी आ उह उल्ट करन दे विच हो जाएगी। इहनूं लिख सकदे आ चार बटा एक। इत्थे साडा चार अठ दे नाल कट्टिया गया, एक चौका चौका दो चौके अठ, एक एकम एक बटा दो एकम दो। साडा आंसर आ गया एक बटा दो। हुण असीं तीजे का तीजा सवाल हल करांगे। तीजा भाग है एक बटा दो की घात माइनस दो प्लस एक बटा तीन की घात माइनस दो प्लस एक बटा चार की घात माइनस दो। असी इत्थे माइनस घात नूं प्लस विच तब्दील करन की कोशिश करांगे। प्लस विच तब्दील करन वास्ते असी जिहड़ा आधार है ਉਹਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਵਟਾ ਇੱਕ ਦੀ ਘਾਤ ਦੋ ਪਲੱਸ ਤਿੰਨ ਵਟਾ ਇੱਕ ਦੀ ਘਾਤ ਦੋ ਪਲੱਸ ਚਾਰ ਵਟਾ ਇੱਕ ਦੀ ਘਾਤ ਦੋ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡਾ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੋ ਦੀ ਘਾਤ ਦੋ ਪਲੱਸ ਤਿੰਨ ਦੀ ਘਾਤ ਦੋ ਪਲੱਸ ਚਾਰ ਦੀ ਘਾਤ ਦੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਦੀ ਘਾਤ ਦੋ, ਦੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਲੱਸ ਤਿੰਨ ਦੀ ਘਾਤ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤਿੰਨ, ਪਲੱਸ ਚਾਰ ਦੀ ਘਾਤ ਦੋ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਚਾਰ। ਦੋ ਨੂੰ ਦੋ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ ਪਲੱਸ ਤਿੰਨ ਤੀਏ ਨੌ ਪਲੱਸ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੌ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤੇਰ੍ਹਾਂ, ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਉਨੱਤੀ। ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਨੱਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੈ ਤਿੰਨ ਦੀ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਚਾਰ ਦੀ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੰਜ ਦੀ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦੀ ਘਾਤ ਜ਼ੀਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮਾਈਨਸ ਘਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵਟਾ ਤਿੰਨ ਦੀ ਘਾਤ ਇੱਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਟਾ ਚਾਰ ਦੀ ਘਾਤ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਵਟਾ ਪੰਜ ਦੀ ਘਾਤ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦੀ ਘਾਤ ਜ਼ੀਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ
आधार की घात एक हो साडा संख्या उन्नी होंगी आ। इनू आप लिख सकते हैं एक बटा तीन प्लस एक बटा चार प्लस एक बटा पांच सारे की घात जीरो। प्यारे विद्यार्थियों आप इत्थे एक्स की घात जीरो बराबर एक इस नियम की वरतों करांगे। किसी भी संख्या की घात जीरो होवे तां उहदा मुल हमेशा एक हुंदा है। इसलिए एक बटा तीन प्लस एक बटा चार प्लस एक बटा पांच की घात जीरो इहदा आंसर आ गया एक। प्यारे विद्यार्थियों हुण असीं तीजे सवाल का पंजवां भाग हल करन की कोशिश करांगे। पंजवां भाग है माइनस दो बटा तीन की घात माइनस दो सारे की घात दो। इत्थे असीं एक्स बटा वाई दी घात एम सारे की घात एम इन लिख सकते हैं एक्स बटा वाई की घात एम एन। इस नियम की वरतों करांगे माइनस दो बटा तीन इहदी घात माइनस दो गुणा दो। घातों नूं घातों दे नाल असीं गुणा कर सकते हैं माइनस दो बटा तीन की घात माइनस दे चार दो दूनी चार प्लस माइनस माइनस। हुण असीं जिहड़ी माइनस घात है उहनूं धनात्मक विच तब्दील करांगे। इहदे विच करन वास्ते असी जिहड़ा आधार है उहनूं उल्ट क्रम विच लिखांगे। दो वटा तीन लिखते हैं तीन वटा माइनस दो इहदी घात की बन गई चार। हुण असी इहनूं हल करांगे तीन वटा माइनस दो की घात चार। असी इहनूं चार बार गुणा करांगे तीन वटा माइनस दो गुणा तीन वटा माइनस दो गुणा तीन वटा माइनस दो गुणा तीन वटा माइनस दो। हुण असी इहनूं अंश नूं अंश नाल गुणा करांगे कटदा तां कोई भी नहीं। तीन तीए नौ नौ तीए सताई सताई तीए इक्यासी बटा सब तो पहला असी माइनस वाली गुणा करांगे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ते प्लस नूं प्लस नाल गुणा करांगे साडा प्लस ही आउंदा है। इसलिए इत्थे प्लस दा ही जवाब आएगा। ते दो नूं चार बार गुणा करांगे दो दूनी चार चार दूनी अठ अठ दूनी सोलह। इस भाग का आंसर आ गया इक्यासी वटा सोलह। प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद करता हाँ कि अभ्यास 12.1 का पहला दूजा अते तीजा सवाल ये सारे भाग थानू जरूर समझ आए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों इन सवालों कापी से हल करके अपने संबंधित अध्यापक नूं भेजो और उन्हां नूं अपना काम दिखाओ ते वध तों वध इन्हां सवालों नूं हल करने की कोशिश करो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।